शिलोंग को पहुंच गया हूँ और आज प्लान है शिलोंग जाने का। शिलोंग पहुंचने के बाद डिसाइड करता हूँ कि लाइटलम कैनियन जाना है या स्मिथ विलेज जाना है। एक दोस्त को मिलने लाइमुखरा आ गया, तो वो अभी आ रहा है, उसको मिलता हूँ और मैं उससे बात करता हूँ कैसे क्या करने से अच्छा होगा, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स रास्ता मेरे को पता नहीं है, तो उससे बात कर लेता हूँ कैसे जाने से क्या करने से अच्छा होता है। तो अभी मैं हुबर्ट का दुकान से निकलता हूँ। हुबर्ट आज थोड़ा बिजी है, उसका भाई नहीं है इधर में, तो शाम को अगर वो फ्री होता है तो मेरे को होमस्टे में मिलने के लिए आएगा। और अभी मैं ढूंढता हूँ होमस्टे जगह पहले, फिर जाता हूँ शिलोंग पीक। तो मैं लाइट कोर से चल रहा हूँ शिलोंग पीक तक। एक कूल ब्रीज चल रहा है इधर में, तो थकान उतना महसूस नहीं होता है हवा रहने से। रास्ते का दोनों साइड ऐसा कल्टीवेशन करके रखा है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है। ये पाइन ट्रीज का कोन्स भी है इधर में। तो शिलोंग पीक के रास्ते में एक गांव गिरता है, तो गांव के लोगों से बात किया, वो लोग बोल रहे 2 साल से शिलोंग पीक बंद है, आर्मी जाने नहीं देता है। तो उन लोगों ने बोला है सामने जाके एक दो गांव है, तो उधर में घूम के आ जाओ वापस। तो चल के जाता हूँ, क्या होता है देखता हूँ। ऐसा बैम्बू का ट्री से फेंसिंग दिया हुआ है, एक छोटा सा चर्च है इधर में। ये देखिए कितना ऑर्किड्स इधर में खिल रहा है। अभी थोड़ा अपहिल है रास्ता, बहुत सुंदर का गांव के बीच में से ये रास्ता है, तो अच्छा लग रहा है, हवा भी तेज दे रहा है। तो 2 साल से शिलोंग पीक बंद है, तो शिलोंग का व्यूज़ नहीं मिलेगा मेरे को इधर से। तो एक बंदा ने बोला है और एक रास्ता है, लेकिन वो और 1.5 आवर का रास्ता है, तो मुझे अभी उतना चलने का मन नहीं है, क्योंकि मुझे स्कूटी तक पहुंचते शाम का 6 o'clock भी बज सकता है, और मैं इतना देर करना नहीं चाहता हूँ। ये आर्मी का एरिया है पूरा, तो इधर में वॉल में लिखा हुआ है ट्रेसपासर्स विल बी शॉट और नो फोटोग्राफी और नो ड्रोन्स अलाउड, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने वो सब का भी फ़ोटो नहीं निकाला, मन जा रहा था थंबनेल निकालने के लिए उसका फ़ोटो ले लूँ, लेकिन छोड़ो, जो रूल्स है वो मान के ही चलता हूँ। बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स है रास्ते के साइड में। पाइन कोन, तो ये बच्चे लोग इधर में बेरीज कर रहे हैं, तो ऐसा बेरीज खा सकते हैं ये लोग बोल रहे हैं। ये कौन सा बेरी है गूगल लेंस में देख लेता हूँ एक बार। क्रीपिंग रेस्पबेरी। अभी स्कूटी तक पहुंचने ही वाला हूँ, अराउंड 8-9 kilometers तो चल लिया है मैंने। तो अभी रास्ते में एक मैंने होमस्टे होटल टाइप का देखा था, तो उधर मैं जाता हूँ और ले लेता हूँ एक रूम उधर में। ये इधर में बैम्बूज़ के बास्केट्स हैं, तो इधर के लोकल लोग ये यूज़ करते हैं सामान कैरी करने के लिए। सो इधर में मैं मोमो खा लेता हूँ, बड़ा पीसेस है,
₹50 एक पीस का, तो दो पीस ले लिया पॉक। तो अभी स्कूटी के पास पहुंच गया, तो स्कूटी निकालता हूं और होटल में रूम लेता हूं और नहाता हूं और थोड़ा देर रेस्ट करता हूं। अभी तो आज ये मेरा रूम है, डिसेंट बेड है और बाथरूम भी डिसेंट है, क्लीन है। मैं देवमैया गेस्ट हाउस में रुक रहा हूँ और देवमैया गेस्ट हाउस लाइटकोर में है, लाइटकोर के पास में ही है। और इधर में खाना नहीं मिलता है, लेकिन इसके ऊपर में ही एक रेस्टोरेंट है, तो मैं ऊपर जाके चेकआउट करता हूँ क्या क्या मिलता है खाने के लिए। ये बाय द वे रेस्टोरेंट बहुत अच्छा स्पेस बना के रखा है इधर में, डिनर कर लेता हूँ। तब बाय द वे रेस्टोरेंट से खाली पैक करके लेके आ गया था मैं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट अराउंड 8 बजे को बंद हो जाता है, तब मेरे को उतना भूख नहीं लगा था। तो अभी अराउंड 9 o'clock है, तभी मैं डिनर करता हूँ, फिर सो जाता हूँ और कल सुबह उबर आएगा मेरे को मिलने के लिए और हम दोनों का प्लान है जाने के लिए लाइट रूम।